हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए मुझे चाहिए एक योक, यानी कि अंडे की जो जर्दी होती है वो मुझे चाहिए। मेरे बाल लंबे हैं तो मैंने दो एग योक जो है वो यूज़ की हैं। आप चाहें तो एक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा योगर्ट चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए मुझे, और आपके पास अगर कोई और ऑलिव ऑयल है तो आप यूज़ कर सकती हैं जैतून का तेल। उसके अलावा मैं यहाँ पे जो है नेचर का हेयर कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर कोई और हेयर कंडीशनर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ कोकोनट ऑयल। आप जो है नारियल का कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरे पास ये केला मोक्स की रूट्स और मेहंदी के पत्ते, यानी कि हिना के जो पत्ते होते हैं उनका जो ऑयल है वो बना हुआ है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये रिवाज वालों का ब्रश है और एक स्पून चाहिए मुझे बना। स्टेप टू में आ जाता है कि हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। हमारे पास जो अंडे की जर्दी या एग योक है उसमें हम 4 से 5 स्पून जो हैं वो दही के हैं मिलाएंगे। उसमें मेरे बालों की लेंथ बड़ी है तो मैंने 2 एग योक यूज़ की हैं, और इसके अलावा दही भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा मैं 2 से 3 चम्मच जो है वो जैतून के तेल यानी कि ऑलिव ऑयल के यूज़ करने जा रही हूँ। उसके बाद मैं नारियल का तेल यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ अ केला मोक्स का जो है वो नारियल का तेल है, इसका मैंने 1 स्पून लिया है। उसके बाद जो है वो कंडीशनर है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सब को हम लोग फेंट लेंगे। सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। स्टेप 3 में क्या होगा कि सबसे पहले हम अपने बालों को अच्छे से जो है वो कॉम कर लेंगे, कंघा कर लेंगे, ताकि कोई भी जो है बीच में वो गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद जो है हाथों की मदद से, जिस तरह से हम तेल की मालिश करते हैं उस तरह से हम अपने बालों में लगाते जाएंगे। जो हमने ये प्रोटीन का छोटा सा एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम बालों पे, वो अच्छे से बालों पे लगाते जाएंगे। याद रहे कि ये जो है वो मिक्सचर वो बालों की जड़ों पे लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आराम आराम से पूरे बालों पे हम इसको लगाते जाएंगे। पीछे वाले बालों को भी अच्छे से हमने कवर कर लेना है, ताकि कोई भी हिस्सा जो है हमारे जो इस मिक्सचर का वो रह ना जाए। और जिस तरह से मैं जिस तरह से लगा रही हूँ, कोशिश करें कि आप भी उस तरह से लगाएं, ताकि हमारे बालों में ये अच्छे से जो है वो जज्ब हो जाए। हमारी जो रूट्स है हमारी बालों की, उन पे अच्छे तरीके से वो पहुँच जाए और बालों की जो लेंथ है उस पे भी हम अच्छे से लगा लेंगे। फ्रेंड्स, अब आ जाता है स्टेप 4। स्टेप 4 में हम बालों को अच्छे तरीके से कोम यानी कि कंघा कर लेंगे। कंघा करने के बाद हम बालों को झूड़ा बांध देंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज़, और वेट करेंगे हम पूरे 30 मिनट का। 30 मिनट के बाद हम अपने बालों को देखेंगे, बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ गई है, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।